लाइफ हैक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वंभर मिश्रा। झारखंड में यहां दूसरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। यह फेस्टिवल 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। वहीं झारखंड फिल्म तकनीकी बोर्ड के सदस्य ऋषि प्रकाश मिश्र ने बताया कि इसमें पूरी दुनिया से 200 फिल्में आ चुकी है। वहीं अनूप जलोटा ने बताया कि झारखंड का नाम सुनते ही बॉलीवुड मुस्कुराने लगता है और उसी का देन है कि झारखंड सरकार का काफी सहयोग मिल रहा है। तो आइए देखिए क्या कहा अनूप जलोटा ने। के माध्यम से करीब 7 फिल्मों को वहाँ शोकेस करेंगे 3 दिनों में, 4 स्क्रीन्स में, और फिर 3 को एक अवार्ड नाइट होगा। और ईश्वर से आग्रह है कि अनूप जलोटा साहब भी इसमें शिरकत करें, ऐसा माहौल बने, इनको टाइम मिल जाए और इससे झारखंड को बहुत लाभ मिलेगा। झारखंड को एक पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता था, एक ऐसे राज्य के रूप में कि लोग समझते थे कि वहाँ नक्सली समस्या है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब झारखंड इज अ ग्रोइंग स्टेट नाउ और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। एक कहावत है, वेयर बॉलीवुड गोज ट्रैवलर्स फॉलो। इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, आप उदाहरण में ले लीजिए, मॉरिशस ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, हिंदुस्तान में मनाली ले लीजिए, तो जहाँ भी बॉलीवुड जाता है, हॉलीवुड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, ये बात। थैंक यू वेरी मच। आज भेज दीजिए, आज चला गया, इतना वहाँ मज़ा आया, वहाँ जाके मेरा वेट कम हुआ, जल्दी फील कर रहा हूँ, खूब अभ्यास किया, रियाज किया, नारायण पूजा किया, तो बहुत मज़ा आया। मुझे तो लगता है कि रोमिल और श्री दो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ओके, जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल सीजन जो है वो कौन है, मीडिया और बिजनेस दोनों ऑन द वे, क्या प्लानिंग करते हैं? हमने ट्रिप बहुत पहले की है, आप देखते हैं हमारे यहाँ सुबह से शुरू हो गया था, आप देख रहे हैं, तो अब ये होगा कि 24 तारीख से भी सजावट सज जाए। और ये कि इतना तो शायद किसी ने नहीं दिया होगा, किसी स्टेट ने नहीं दिया होगा, बहुत बड़ी बात है। सभी वहाँ जाकर फिल्म बनाना चाहते हैं, अपने मन की कामना पूरी करना चाहते हैं और झारखंड सरकार उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रही है, धन से भी और मन से भी, ये बहुत बड़ी बात होती है। झारखंड में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जो पहले भी हुआ है और इस बार भी बहुत भव्य स्वरूप में आ रहा है, उसमें मैं भी आना चाहता हूँ। ईश्वर ने सारी व्यवस्था कर दी तो मैं पहुँच जाऊँगा और आकर वहाँ मैं भी आनंद लूँगा, जिस तरह बहुत से लोग आकर वहाँ आनंद लेते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत इस महोत्सव के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।